हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू प्रोपोगेशन ऑफ रडार वेव्स पढ़ा रहा हूँ। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने 3 वीडियो लेक्चर देखे हैं, जिसमें प्रोपोगेशन ऑफ रडार वेव्स ड्यू टू फ्लैट अर्थ सरफेस देख चुके हैं, ड्यू टू राउंड अर्थ सरफेस देखा है, और हम लोगों ने इसके बाद एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो कि स्टैंडर्ड प्रोपोगेशन है वो हम लोगों ने अभी तक देखा है। इसके बाद आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है नॉन स्टैंडर्ड प्रोपोगेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज नॉन स्टैंडर्ड प्रोपोगेशन। देखिए, इस टॉपिक के नाम से ही हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जो प्रोपोगेशन अब हम लोग देखने वाले हैं वो है नॉन स्टैंडर्ड, मतलब कि जो स्टैंडर्ड तरीके हैं वो हम लोगों ने देख लिए हैं और जो अदर देन यूजुअल चीजें हैं, जो नॉर्मल से अलग है, वो हम लोग इस प्रोपोगेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोगों को पहले कुछ कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा, जैसे कि एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने देखा था, फिर रिफ्रेक्टिव ग्रेडियंट देखा। अब देखिए, रिफ्रेक्टिव ग्रेडियंट अगर याद होगा तो वो हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, देखिए ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज, तो रिफ्रेक्टिव चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट किए थे dn by dh से, मतलब कि चेंज इन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू हाइट, आपका हाइट के साथ कैसे चेंज हो रहा है, दैट इज dn by dh। तो इसकी कुछ वैल्यूज है जो हम लोगों को याद रखनी होगी, जैसे कि स्टैंडर्ड रिफ्रेक्शन की अगर हम लोग बात करें, जब हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यूज देख रहे थे जो कि एक आइडल वैल्यू है स्टैंडर्ड रिफ्रेक्शन के समय, उस समय इसकी वैल्यू होती है लगभग 0 से -39 n पर किलोमीटर। n से आप लोग समझ में आ रहा होगा इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है, पर किलोमीटर वो कितना चेंज हो रहा है। तो ये है स्टैंडर्ड रिफ्रैक्शन की वैल्यू जो हम लोगों को याद रखनी है। ठीक है, स्टैंडर्ड रिफ्रैक्शन से अगर अपन थोड़ा सा और आगे जाए जो कि नॉर्मल वैल्यू होती है, तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन के लिए जो dn by dh की वैल्यू होती है वो लगभग -79 n पर किलोमीटर तक वैरी करती है। तो ये ऐसा वैल्यू है जहां तक आपका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू हाइट चेंज होते जा रहा है, रिफ्रेक्टिव ग्रेडियंट इनको कहते हैं। अब मेन मुद्दा ये है कि 79 के बाद, -79 के बाद अगर कुछ चीज चेंज होगा तब क्या होगा। तो अगर जो ग्रेडियंट है वो लगभग -79 से लेके -157 n पर किलोमीटर की तरफ अगर चेंज होगा, ठीक है, तो जो आपका इफेक्टिव अर्थ रेडियस है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि अर्थ रेडियस अगर अपन a से रिप्रेजेंट करते हैं तो इफेक्टिव अर्थ रेडियस k a से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें k कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू होता है 1/1 a dn/dh जो की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं। अगर dn by dh की वैल्यू और कम होती जाएगी तो ये k की वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो ये वैल्यू यहां तक अगर अपन यहां तक पहुंचे तो जो आपका रेज है, जो आपके अगर ये अर्थ है आपका, ठीक है, अर्थ में अगर हम लोग यहाँ पे एक एंटीना बिठाया है, अब हम लोगों को रेज को भेजना है, तो एक पे ये यहां से टकराएगा जो नॉर्मल उसका होगा, फिर वहां से निकल जाएगा, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से वो धीरे 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 और आगे दूर तक जाता है। लेकिन जैसे dn by dh और कम होता जाता है, ये वैल्यू k की वैल्यू इफेक्टिव अर्थ रेडियस और बढ़ता जाता है, रेस थोड़े से पैरेलल आ जाते हैं और दूर तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका जो इफेक्टिव अर्थ रेडियस है वो लगभग टेंडिंग टू इनफाइनाइट की वैल्यू हो जाती है। कहां पे? अगर dn by dh -157 n पर किलोमीटर के वैल्यू अगर रहेगी तो आपका जो इफेक्टिव अर्थ रेडियस है वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता है और जो रेज है वो लगभग पैरेलल हो जाते हैं आपके कर्वेचर ऑफ द अर्थ से, और हमारा जो जो आपका रडार हॉरिजॉन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली यहां तक देख पा रहे थे, फिर अगर नॉर्मल रिफ्रेक्शन में यहां तक ये वाले पैरामीटर पे हम लोग और दूर तक जा पा रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली रडार का हॉरिजॉन बढ़ रहा है तो उसका जो रेंज है वो भी बढ़ेगा और दूर तक चीजें डिटेक्टेबल हो सकती हैं, ये हम लोगों के लिए एक फायदेमंद है, और इस रिफ्रैक्शन को अपन बोलते हैं सुपर रिफ्रैक्शन। तो द
ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये एबनॉर्मल है, नॉर्मल से हट के है, इसलिए इसको हम लोग नॉन स्टैंडर्ड प्रोपोगेशन में मानते हैं। अगर अपन देखें इसकी वैल्यू कहां से है, -79 N/km से -157 N/km, ठीक है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन पर किलोमीटर। ओके, और इसमें बस हो क्या रहा है कि आपका जो वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, जिसकी वजह से रेस पैरेलल हो जा रही है और दूर कभी चीज हमको डिटेक्ट हो पा रहा है। ओके, अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सुपर रिफ्रैक्शन से थोड़ा सा निकलते हैं। अगर वैल्यू -157 से भी और आगे चढ़ जाए, ठीक है, -157 से ग्रेडियंट आपका जो एक्सीड करता है, तो जो कर्वेचर है प्रोपोगेटिंग वेव्स का, जो अपन वेव्स को पहुंचाना चाह रहे हैं, प्रोपोगेटिंग वेव्स का जो कर्वेचर है वो कर्वेचर ऑफ अर्थ के पैरेलल ना होके उससे एक्सीड कर जाता है और इससे एक डक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप नॉर्मली अर्थ को देखें, आपका एंटीना यहाँ पे है, तो आप अभी तक देख पा रहे थे कि चलो ठीक है यहां तक टकरा रहे, फिर थोड़ा रिफ्लेक्शन तक यहाँ हो रहा है और यहां तक पहुंच रहे, लेकिन और एक्सीड करते जाते हैं, तो ये इसमें ना होके ये ऐसा डक्ट की तरह बना लेता है और दूर तक हम लोग जो हमारे नॉर्मल हॉरिजॉन में है भी नहीं, जो देखने से वहां तक जा सकता है। ठीक है, ये वैल्यू तो यहाँ पे एक डक्ट फॉर्मेशन होता है जब आपका जो DN/DH की वैल्यू है वो -157 N/km से ज्यादा एक्सीड कर जाती है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सब रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो चार वैल्यूज आपको बस याद रखनी है, एक तो स्टैंडर्ड रिफ्रैक्शन की वैल्यू, नॉर्मल रिफ्रैक्शन की वैल्यू, सुपर रिफ्रैक्शन और सब रिफ्रैक्शन, ये उसकी वैल्यूज है और सब में एक एक में क्या क्या होता है वो हम लोगों ने थोड़े से ब्रीफ अंदाज में देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जब डक्ट बन ही रहा है, डक्ट का मतलब आप लोग समझते होंगे जैसे कूल एसी वगैरह का डक्ट होता है, या एक वेव गाइड आप लोग पढ़े होंगे, तो जिसमें एक वेव्स लिमिट हो जाती है वहीं तक वो चलती है जहां तक उसका डक्ट लेके जाता है, इसको डक्ट बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग जब डक्ट बन रहा है कितने प्रकार के डक्ट बनते हैं नॉर्मल, हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जनरली तीन टाइप के डक्ट होते हैं, जिसमें आपका पहला नंबर का जो डक्ट है वो है आपका एवापोरेशन डक्ट, दूसरा है आपका सरफेस बेस्ड डक्ट और तीसरा है आपका एलिवेशन डक्ट, एलिवेशन बेस्ड डक्ट। ठीक है, ये तीन प्रकार के डक्ट फॉर्मेशन होता है जब हम लोग रडार वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट करते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, ओवरऑल एक डक्ट है, उसमें अगर हम लोगों को रेज भेजना है तो उसका जो रेज का एंगल होगा आपका, ठीक है, तो ये माना जाता है कि डक्ट में अगर हम लोगों को दूर तक रेज को प्रोपोगेट करना है तो ये जो एलिवेशन एंगल है विद रिस्पेक्ट टू बेस ऑफ द डक्ट ये बहुत कम होना चाहिए, लेस देन हाफ डिग्री के अराउंड होना चाहिए, तब जाके रेस बहुत लंबे दूर तक जाता है एंड देन फिर वो आगे प्रोपोगेट कर जाता है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है कि अगर हम लोगों को डक्ट में प्रोपोगेट कराना है तो आपको कितना एंगल होना चाहिए, एलिवेशन एंगल जो आपके बेस ऑफ द डक्ट से बना है। उसके बाद हम लोग आते हैं अब पहले वाले एवोपोरेशन डक्ट पे। एवोपोरेशन डक्ट नाम से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं एवोपोरेशन की बात हो रही है, पानी का एवोपोरेट होना, तो ये होगा मेनली सी के आसपास। ठीक है, समुद्र के बीचों बीच कहीं ना कहीं होगा। होगा क्या एक्चुअली, ये है आपका समुद्र, ठीक है, ये है पानी। अब पानी है ऑब्वियसली, यहां पे इसके ऊपर में क्या है, एयर है, जो एयर है वो पानी से कांटेक्ट हो होके इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट इतनी ज्यादा कि 100% के करीब होती है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, और ये पूरा वाटर वेपर से सेचुरेट हो जाता है, एयर पूरा वाटर वेपर से सेचुरेट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग हाइट के ऊपर जाते जाते हैं, ऊपर जाते थे,
ये जो ह्यूमिडिटी है वो आपका कम होते जाती है। तो अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिविटी भी कम होगी, ठीक है। रिफ्रैक्टिविटी कम होगा तो इतना देर से हम लोग यही देख रहे थे कि जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कैसे चेंज हो रहा है, तो रिफ्रैक्टिविटी आपका कम होता है। तो अब क्या हो रहा है कि ये वाला जो एरिया और ये वाला एरिया के बीच में एक डक्ट फॉर्म हो रहा है जिसको बोलते हैं लो लाइंग डक्ट, ठीक है। और वेव्स को भेजना है तो इसमें ही लगभग डक्ट की तरह भेजाएगा। तो ये बहुत, लेकिन ये एज अ वेव गाइड काम करता है, ठीक है। लेकिन वेव गाइड भी ऐसा कि इसको बोल सकते हैं लीकी वेव गाइड, क्यों? क्योंकि ये एक जो ऊपर वाला सरफेस है वो थोड़ा लीकी है, वहां से भी वेव्स आगे भी बढ़ सकते हैं। बट ऑब्वियसली रिफ्रेक्टिविटी कम होगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ज्यादा होगा। वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ज्यादा होगा तो वो वेरी करेगा फिर टकरा के आगे बढ़ता जाएगा। तो ये चीजें हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि एवोपोरेशन डक्ट कैसे फॉर्म होता है। सी का सरफेस है, सी के सरफेस के ऊपर जो एयर है वो बहुत ज्यादा सेचुरेटेड है, वाटर वेपर जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे हाइट बढ़ता जाता है, ह्यूमिडिटी कम होता जाता है, ह्यूमिडिटी कम होगा, रिफ्रेक्टिविटी कम होगा, आपका जो रेज है वो ऊपर जाके ऐसे धीरे से नीचे आ जाएंगे, एंड देन वो एक मतलब एक सरफेस का काम करेगा, नीचे एक सरफेस है, तो ये एक डक्ट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है आपका। इस डक्ट को कौन कौन चीजें अफेक्ट करती हैं? तो पहला पॉइंट याद रखेगा कि जो विंड का स्पीड है, क्योंकि हवाएं चलती हैं यहाँ पे, तो विंड के स्पीड बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है इस डक्ट फॉर्मेशन को, ठीक है। और जो अटीन्यूएशन है आपका डिक्रीज होता है एज विंड स्पीड बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हवाएं तेज होते जाएंगे विंड स्पीड बढ़ता जाएगा, एटीन्यूएशन कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि एटीन्यूएशन विल डिक्रीज व्हेन विंड स्पीड विल इंक्रीज। उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट वाले पोर्शन में, थिकनेस, ठीक है। तो जितना ही आपका डक्ट थिक होगा, मोटा होगा, ठीक है, उतना ही लोअर फ्रीक्वेंसी उसमें प्रोपोगेट कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए वेव गाइड का एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ऑब्वियसली, उसके बाद ही चीजें प्रोपोगेट कर पाती है, उसके पहले प्रोपोगेट नहीं कर पाती। तो जितना ये डक्ट आपका मोटा होता जाता है, थिक होता, द मोर द डक्ट विल बी थिकर द लेस द प्रोपोगेटिंग फ्रीक्वेंसी कैन बी पास थ्रू इट, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे आते हैं और तीसरा फैक्टर देखते हैं फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी तो आपको मालूम है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाता है जो प्रोपोगेशन लॉस है वो भी कम होता जाता है। जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा आप भेजेंगे प्रोपोगेशन लॉस उतना ही कम हो गया। चौथा पॉइंट आप लोगों को देखना है मोड ऑफ प्रोपोगेशन। इसमें मोड ऑफ प्रोपोगेशन में क्या है कि जितना इस डक्ट का हाइट बढ़ेगा उतना ज्यादा मोड ऑफ प्रोपोगेशन को वो सपोर्ट कर पाएगा, ठीक है। तो हम लोग लेस साइटेड एंटीना भी यूज कर सकते हैं। लेस साइटेड मतलब कि साइट मतलब जगह, जो कम उस पर भी यूज हो सकती है, ज्यादा उस पर भी यूज हो सकती है। तो लेस साइटेड एंटीना कैन ऑल्सो बी यूज, ठीक है। तो ये था आपका लगभग एवापोरेशन डक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं जो कि है सरफेस बेस्ड डक्ट। सरफेस बेस्ड डक्ट नाम समझ में आ रहा है कि ये कहां पे हो रहा होगा, सरफेस पे हो रहा होगा। ये है आपका नॉर्मल सरफेस, ठीक है। नॉर्मल सरफेस में क्या होता है कि जैसे ये डक्ट है तो डक्ट के लिए दो सरफेस चाहिए, जैसे हम लोग उसमें देख रहे थे। तो इसका जो सरफेस बेस डक्ट का बेस होगा वो होगा आपका बेस अर्थ सरफेस, ठीक है। जो आपका अर्थ सरफेस होगा उसका वो ये बेस होगा, और ऊपर कहां तक जाएगा वो हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि देखिए जो सन है, सन से हीट आता रहता है, ठीक है। फिर अर्थ थोड़ा एब्जॉर्ब करता है, फिर अर्थ भी उसको रेडिएट करता है, बाहर फेंकता है, ठीक है।
बाहर फेंकता है तो क्या होता है कि जब हीट वो बाहर फेंकेगा तो ऑब्वियसली खुद कूल होगा, तभी तो उस हीट को बाहर फेंकेगा। तो जो अर्थ का सरफेस है वो धीरे धीरे, जैसे ही दिन का टाइम से रात का टाइम होता जाता है, ये जो अर्थ का सरफेस है वो अपनी जो गर्मी है उसको बाहर फेंकता जाता है, ठीक है। तो धीरे 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 ठंडा होते जाता है, और ये वार्म और ड्राई एयर कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, वार्म और ड्राई एयर। तो अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जो सरफेस है ये थोड़ा ठंडा है और कूल है, और यहाँ पे है वार्म और ड्राई एयर। इसी को बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब होता है इन्वर्जन मतलब उल्टा होना। तो हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ना अगर अपन देखें तो वो होता है नॉर्मल टेम्परेचर, लेकिन देखिए यहाँ पे धीरे 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 टेम्परेचर कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले जो टेम्परेचर था दिन में वो फिर रात रात में धीरे 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 वो टेम्परेचर कूल होता जा रहा है, लेकिन वो गर्मी जा रहा है वो यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जा रहा है और वो एक सरफेस बना रहा है आपके डक्ट का। तो इसीलिए जनरली नाइट में डक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और इसका दूसरा कारण क्या है सरफेस बेस्ड डक्ट का, पहला कारण तो हम लोग ये समझ गए। दूसरा कारण है कि मूवमेंट ऑफ एयर टूवर्ड्स सी, मतलब कि समुद्र किनारे की तरफ जाना। मूवमेंट ऑफ एयर अगर हम लोग देखें तो यहां से जो गर्म हवा है वो समुद्र की तरफ जाता है, फिर वहां के मॉइस्चर से मिक्स होके फिर वापस आता है, तो वो थोड़ा सा और ठंडा बना देता है। तो ये भी एक कारण है कि डक्ट फॉर्मेशन का, सरफेस बेस्ड डक्ट का। इसका जो हाइट है इसका वो बहुत ज्यादा नहीं होता, मतलब फ्यू 100 मीटर्स के करीब ये अपन इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं इस डक्ट को। अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं जिसका नाम है एलिवेशन डक्ट। एलिवेशन का नाम से समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा उठा हुआ है, तो इसका जो बेस है वो आपके जो लैंड है उससे थोड़ा सा तो उठ के रहेगा, यहाँ पे इसका बेस रहेगा, ठीक है। अब इसका प्रॉब्लम कहाँ पे, ये होता कहाँ पे है, ये हर जगह नहीं होता है। जैसे अगर अपन वर्ल्ड को देखें तो वर्ल्ड में बीच में है आपका 0 डिग्री, जिसको बोलते हैं इक्वेटर। ऊपर में है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, नीचे है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। यहाँ थोड़ा सा है जिसको बोलते हैं 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये है आपका थोड़ा सा नीचे में 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। जैसे अपन ऊपर जाते जाते हैं इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे ही ठंडी बढ़ता जाता है। आप लोग यहाँ पोल्स में देखे होंगे तो पोल्स में बहुत ज्यादा ठंडी रहती है, ठीक है। अगर ऊपर जाएंगे ठंडी बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये है हाई प्रेशर सेल्स, जो आपका 30 डिग्री के आसपास वाला एरिया है वो है हाई प्रेशर सेल्स, और ये जो बीच वाला एरिया है वो है लो प्रेशर सेल्स। अब होता क्या है कि जो हाई प्रेशर सेल्स के एयर है वो सिंक होना शुरू होता है, ठीक है। सिंक कहाँ होंगे, वो नीचे के एरिया में होंगे, ये भी इस तरफ आना शुरू करेगा, ठीक है। और फिर यहां पे ये एक, जब दोनों इस तरफ आएंगे तो यहां पे कंप्रेशन क्रिएट होता है, ठीक है। ऑब्वियसली सारे जब एयर आके एक जगह दबाएंगे तो वो कंप्रेशन क्रिएट होता है, और इस कंप्रेशन की वजह से जहां पे कुछ कंप्रेशन होता है वहां पे हीटिंग भी होती है, और उसको बोलते हैं एडियाबेटिक हीटिंग, एडियाबेटिक हीटिंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ ठंडी गर्मी ये वाला जो दो रीजन है उसके बीच में फिर डक्ट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और यही इसी डक्ट को बोलते हैं एलिवेशन बेस्ड डक्ट। और इससे पहले आपको ये याद रखना है कि जो रीजन है ये टोटल ये पूरा 30 डिग्री से ये 30 डिग्री तक, इसको बोलते हैं ट्रेड विंड रीजन, ठीक है, ट्रेड विंड रीजन। एक्चुअली पहले के जमाने में होता था कि यहाँ पे जो लोग यहाँ पे इस लैटिट्यूड पे रहते थे वो अपना व्यापार करने के लिए शिप, उस समय शिप का माध्यम था तो शिप से आते थे। तो यहाँ जो ये एयर है ये ऑब्वियसली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो उनको अपने आप धकेलते हुए लेके जाती थी यहाँ पे। तो इसको
उस रीजन को ही नाम दे दिया था कि ट्रेड विंड रीजन। तो ये ट्रेड विंड रीजन में ही ये एलिवेशन बेस डक्ट होता है, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है नॉन स्टैंडर्ड प्रोपोगेशन लगभग आता है, अगर आपके एग्जाम में भी आता है या कभी भी समझना है तो हमको ये समझ में आया ओवरऑल कि जो भी नॉर्मल से हटके हैं वो प्रोपोगेशन को हम लोग इसमें देखे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग मेनली तीन प्रकार के डक्ट फॉर्मेशन को देखे हैं, आपका एवोपोरेशन डक्ट है, आपका सरफेस बेस्ड डक्ट है और आपका एलिवेशन बेस्ड डक्ट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है डायफ्रेक्शन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एटेन्यूएशन बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू सो मच।